डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोगों की क्लास लास्ट होने वाली है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो आपको याद दिला दें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग पहला मरीचिका में होता है, दूसरा प्रिज्म के लिए होता है, और तीसरा हीरा के लिए, और चौथा नंबर हम लोग यूज करते हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये कैसी यूज होती है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आरो देखकर लिखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस, यंत्र है, जो प्रकाश को उसकी तीव्रता जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की बहुत कम हानि पर तीव्रता की बहुत कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है। प्रेषित का मतलब होता है भेजना, प्रेषित करता है। दोस्त याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर आखिर क्या है, यह कैसे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का मशीन है, जो काम क्या करता है, प्रकाश को बहुत कम हानि पर यानी प्रकाश को बहुत कम लॉस होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। आजकल व्यक्ति भी वही चाहता है कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर कम भाड़े में चले जाएँ, भाड़ा कम लगे और हम लोगों को काम भी हो जाए। सेम वही है, ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का वह मशीन है जो प्रकाश को बिना हानि हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वही बात को हम लोग नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों को कार्यशील होता है। अब आपको जानना चाहिए कि आखिर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के तीन भाग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के तीन भाग होते हैं, कॉमा, इसके केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। क्रोड याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर के सबसे केंद्र वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरो क्रोड उच्च कोटि के कांच का बना होता है। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा कि जो क्रोड हम बोल रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के केंद्र में होता है, ये जो केंद्र में जो क्रोड होता है, ये किसका बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए उच्च क्षमता वाला कांच यानी कि शीशा का बना हुआ रहता है, जिसको क्रोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको फिर से पता होना चाहिए कि फाइबर का जो क्रोड है उसी में प्रकाश जो है जाता है, यानी कि हम आपको थोड़ा सा इसका फिगर बनाने के लिए बोलें तो हम लोगों को एक सिलेंड्रिकल
एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार एक ऑप्टिकल फाइबर बनाकर दिखाता है। ये हम लोगों को सिलेंड्रिकल बेलनाकार एक ऑप्टिकल फाइबर है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा इसके अंदर जिसको क्रोड बोल रहे हैं वो भी एक तरीके का अंदर से खाली भाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त क्रोड। इसको क्या बोलते हैं? क्रोड। और यही क्रोड जो है, यही जो क्रोड है, यहीं से प्रकाश का परावर्तन होता है, लाइट इन करता है। मान लिया जाए कि ये लाइट को इन किया, इंटर किया, इसीलिए इसको बोल सकते हैं लाइट इन। इन माने अंदर, लाइट इन हुआ और फिर यहाँ से टकराकर अंदर क्रोड में, यहाँ से टकराया आगे बढ़ा, यहाँ से टकराया आगे बढ़ा, मतलब ये क्रिया यहाँ पे होती है ऐसे ऐसे टकराकर, और फिर हम लोगों को यहाँ से आउट हो जाता है। यानी इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं लाइट आउट। यहाँ लाइट क्या हो गया? आउट हो गया, बाहर हो गया। तो कुल मिलाकर जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये हम लोगों का फिगर है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का जरूर फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, और ये तीन भाग से मिलकर बना हुआ रहता है। अच्छा, दूसरी बात कि जो 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 प्रकाश का इन होता है, प्रकाश अंदर होती है, वो किसके माध्यम से होती है? क्रोड के माध्यम से। तो लिखा जाए इसके नेक्स्ट एरो, तो उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे फाइबर के क्रोड भाग में, वही ऑप्टिकल फाइबर बोलिए चाहे फाइबर बोलिए, फाइबर के क्रोड भाग में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिससे प्रकाश क्रोड में ही सीमित रहता है, क्रोड में ही सीमित रहता है। याद रखिएगा कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के क्रोड से ही प्रकाश को क्या करते हैं? प्रेषित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ठीक है। अब एक बार और याद रखना चाहिए कि इसके बीच वाला भाग जो है ना, यानी कि क्रोड को छोड़कर, इसको क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस भाग को क्लैडिंग कहते हैं। सबसे केंद्र वाला भाग को तो क्रोड कहते हैं, लेकिन इधर वाला भाग को क्लैडिंग कहते हैं, और क्लैडिंग को एक खोल से ढका रहता है। क्लैडिंग किससे ढका रहता है? एक खोल से ढका रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिथेन, ठीक है। हम बतलाते हैं, अच्छे से सुनिए। सबसे पहले केंद्र वाला भाग को तो क्रोड कहते हैं, तो हम अभी बताएं आपको कि ऑप्टिकल फाइबर तीन भाग में बटा रहता है, एक केंद्र वाला भाग, केंद्र वाला भाग को कहते हैं क्रोड, फिर बीच वाला भाग जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और क्लैडिंग का बाहर होता है एक जैकेट, एक खोल होता है जिसको क्लैडिंग जो है ढका रहता है, उसको पॉलीयूरिथेन कहते हैं। यानी कि ये जो खोल है वो है पॉलीयूरेथीन, ध्यान दीजिएगा, पॉलीयूरेथीन से ढका रहता है। कौन ढका रहता है? क्लैडिंग। किस से ढका रहता है? पॉलीयूरेथीन से ढका रहता है। तो याद रखिएगा कि तीन भाग कौन कौन सा है? क्रोड बीच वाला, फिर मैंने केंद्र वाला, फिर बीच वाला क्लैडिंग, फिर बाहर वाला पॉलीयूरेथीन। तो आप ये भी बात को लिख लीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर के मध्य भाग को क्लैडिंग कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के मध्य भाग को, मध्य का मतलब बीच वाला जो खाली है, ये तो केंद्र वाला हो गया, मध्य भाग को क्लैडिंग कहते हैं, और यह क्लैडिंग पॉलीयूरेथीन के खोल से ढका रहता है, पॉलीयूरेथीन के खोल से ढका रहता है, ताकि फाइबर को रगड़ से बचाया जा सके, फाइबर को रगड़ से बचाया जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ कहाँ है,
ठीक है, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के निम्नलिखित उपयोग हैं। ऑप्टिकल फाइबर के निम्नलिखित उपयोग हैं, पहला चिकित्सीय जांच में, चिकित्सीय जांच में, दूसरा प्रकाश संकेतों के प्रेषण में, प्रकाश संकेतों के प्रेषण में। तो जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे दो महत्वपूर्ण इसका उपयोग देखते हैं। पहला डॉक्टरों द्वारा जांच करने में, यानी कि किसी को पेट में कहीं अगर दिक्कत है ना, तो आपको मुंह के सहारे इस ऑप्टिकल फाइबर को डालते हैं। ये बहुत पतला होता है, बहुत पतला। आपको यहाँ मोटा दिख रहा है ना, ये बहुत पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको क्या करते हैं डॉक्टर कि मुंह की सहायता से आपके पेट में इस पाइप को डालते हैं और वहीं से देख लेते हैं, क्योंकि पाइप के अंदर प्रकाश जाते रहता है, तो इसकी सहायता से वो देख लेते हैं कि अंदर कहाँ गड़बड़ी है। और दूसरी कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोग है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा, और ये दोस्तों हम लोगों का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, यानी कि हम लोग अब अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे नए दिन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।